आज की वीडियो में बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी के बारे में। जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक और फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन अ नेशन इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। GDP is usually calculated on annual basis. It means एक साल के दौरान जितने भी goods and services produce हुए हैं उन सब की monetary value को हम calculate करते हैं और उसे हम कहते हैं GDP या gross domestic product. GDP में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम पाकिस्तान के GDP for example calculate कर रहे हैं तो पाकिस्तान की boundary के अंदर जितने भी goods and services produce हुए हैं, चाहे वो domestic factors of production ने produce किए हों या foreign factors of production ने produce किए हों, उन सब की value हम calculate करते हैं और उसे हम जो है वो GDP कहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट फॉरेन कंपनीज और प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, टोयोटा, कोका कोला, तो ये फॉरेन कंपनीज भी जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं इनकी भी वैल्यू हम जीडीपी में जो है वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि जीडीपी हमने समझ ली, लेकिन Why is it important to calculate GDP? क्यों हर कंट्री इतना कंसर्न है GDP figures को लेकर, क्यों हर कंट्री में GDP calculate की जाती है? देखिए, higher GDP means more goods and services. यानी अगर किसी कंट्री की GDP high है, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में goods and services ज़्यादा produce हो रहे हैं, इसी वजह से वहाँ की GDP high है। और जितने ज़्यादा goods and services produce होंगे, उतनी ही ज़्यादा consumption level जो है उस कंट्री का high होगा। और high consumption indicate करता है higher standard of living. It means GDP measures standard of living of the residents. तो जिस कंट्री की जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उस कंट्री की उतने ही ज्यादा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर जीडीपी जो है लो है तो इट मींस लेस गुड्स एंड सर्विसेज, और लेस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इसका मतलब है कि वहां का कंजम्पशन लेवल रेजिडेंट्स का जो है वो बहुत लो है, जो कि इंडिकेट करता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मेन रीजन जीडीपी कैलकुलेट करने का ये है कि जीडीपी इंडिकेट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रेजिडेंट। अब हमारे पास जो सेकंड इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम जीएनपी भी कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीएनपी इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन अ नेशन और आउटसाइड अ नेशन इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। GNP में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आप अगने अगर नोट किया हो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने डोमेस्टिक का वर्ड यूज किया था, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आपको यहाँ दिख रहा है नेशनल। इससे हमेशा एक बात याद रखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो नेशनल का वर्ड है ये इंडिकेट करता है कि जितनी भी नेशनैलिटी जिनके पास होगी और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो सिर्फ उनकी वैल्यू हम जीएनपी में इंक्लूड करते हैं। यानी अगर हमें पाकिस्तान की जीएनपी जो है वो कैलकुलेट करनी है तो जो सिर्फ पाकिस्तानी हैं, जो नेशनैलिटी जिनके पास है, सिर्फ उन वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ उनकी वैल्यू जो है वो हम जीएनपी में काउंट करते हैं, चाहे वो विद इन अ नेशन प्रोड्यूस करें हों या आउटसाइड अ नेशन प्रोड्यूस करें हों। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तानी लेक्चरर जो है वो यूएसए में जाके जो है वो अपनी टीचिंग सर्विसेज देता है, तो जो उसने वहां पे सर्विस दी है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं दिए, आउटसाइड अ नेशन दी है, लेकिन उस सर्विसेज की वैल्यू जो है वो हम जीएनपी में काउंट करेंगे और जीडीपी में हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि जीडीपी सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए सिर्फ उनकी वैल्यू काउंट करती है। इसके अलावा जीएनपी में से हमारी वो सारी वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जो फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस करी है। यानी यहाँ जितनी कंपनीज फॉरेन कंपनीज जो काम कर रही हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको जीडीपी में, कि उन सब की वैल्यू जो है वो हम जीडीपी में इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन हम उन सब की वैल्यू अब जीएनपी में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जीएनपी में सिर्फ
उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है वो काउंट की जाती है जो कि डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो है वो प्रोड्यूस किए हों और जनरेट किए हों। अब जीएनपी हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, जीडीपी में हमें पता है कि जीडीपी में हमने दो चीज़ें इंक्लूड की हुई थी, एक उन गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू जो डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो है विद इन द बाउंड्री यानी पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करे थे। अभी पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और हमने वो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू भी कैलकुलेट करी थी जो कि फॉरन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस करे थे। अब हमें पता है कि जीएनपी में हमें वो फिगर्स नहीं लेनी वो जो इनकम जनरेट हुई थी फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, जब हमें जीएनपी कैलकुलेट करनी होती है तो हम जीडीपी में वो इनकम जो हमें डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिसीव हुई है फ्रॉम एब्रॉड, जैसे कि अभी मैंने अपनी एग्जांपल में बताया कि अगर पाकिस्तानी लेक्चरर ने बाहर जाके अपनी सर्विसेज दी, उससे जो इनकम जनरेट हुई वो इनकम हम जो है वो जीडीपी में ऐड करेंगे जीएनपी निकालने के लिए, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो सारी इनकम जो कि फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने पाकिस्तान के अंदर जनरेट करी है। तो जब हम ये प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो जीएनपी फिगर आ जाएगी। अब कुछ कंट्रीज की जीएनपी ज्यादा होती है जीडीपी से, कुछ की जीडीपी ज्यादा होती है जीएनपी से। जीएनपी कब ज्यादा होगी जीडीपी से, जब आपके पास जो है वो एब्रॉड से जो आपके डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं वो ज्यादा हो कंपैरेटिवली जो फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपकी अपनी कंट्री में जो है वो इनकम जनरेट कर रहे हो। तो अगर ये फिगर आपकी ज्यादा होगी इस फिगर से तो आपकी जीएनपी ज्यादा हो जाएगी जीडीपी से, और अगर फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपकी कंट्री में ज्यादा इनकम जनरेट करें कंपैरेटिवली उसके जो कि बाहर से आपके पास डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जो इनकम आ रही है उसके मुकाबले में, तो आपका जीडीपी जो है वो ज्यादा हो जाएगी जीएनपी से। तो होप्स हो कि आपको जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट दो इंडिकेटर्स हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनडीपी और एनएनपी। देखिए, इनको समझने के लिए आपको एक टर्म समझना जरूरी है। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है उन प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान डिफरेंट एसेट्स यूटिलाइज्ड होते हैं जिनके थ्रू वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान वो जितने भी एसेट्स हैं उन सब की वैल्यू जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उस रिडक्शन जो है उन वैल्यू उस उन एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन होती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, और समटाइम्स हम उसे कैपिटल कंजम्पशन भी कहते हैं। अब हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट किस तरह कैलकुलेट करना है, एक पॉइंट जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमें ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट वैल्यू आती है। ये हमेशा जो है ये चीज सेम रहेगी। तो जब भी हमें नेट वैल्यू निकालनी होती है तो हमें ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास एनडीपी आ जाएगी, और नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्यों जो है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब भी कोई कंट्री नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है तो उसे अपना डेप्रिसिएशन अमाउंट पता चलता है कि कितने एसेट्स एक साल के दौरान जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है वो उनकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो जब डेप्रिसिएशन अमाउंट पता चलता है तो उस कंट्री को ये पता चलता है कि अगर मैंने जितनी भी अमाउंट से इन एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, अगर मैंने उतनी ही अमाउंट जो है उन एसेट्स की मेंटेनेंस पे और उनको रिप्लेसमेंट पे जो है वो यूज नहीं करी तो क्या होगा, वक्त के साथ साथ जीडीपी और जीएनपी फिगर जो है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि जब एसेट्स वो एसेट जिनके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो फिर वक्त के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज भी कम प्रोड्यूस होंगे। तो ये दोनों फिगर्स जो है वो कंट्री को ये इंडिकेट करते हैं कि कितनी अमाउंट जो है उन एसेट की मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जीडीपी और जीएनपी जो है वो आपकी मेंटेन रह सके, वो जो है उसकी वैल्यू कम ना हो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया।